वहीं असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी और अखिलेश पर एक साथ तंज सामने आया है। कौन बड़ा हिंदू, इस बात पर योगी अखिलेश में लड़ाई चल रही है। ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, मोदी से बड़ा हिंदू कौन, इसे लेकर योगी अखिलेश में कंपटीशन हो गया है। दोनों मंदिर की बात करते हैं। अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग की नहीं, मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। ये कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों पर, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों पर अटैक किया है। वो एक मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं, आप बात करिए अल्पसंख्यक समाज की, पिछड़ा समाज की, आप नहीं बात करते उनके जस्टिस की बात नहीं करते। लड़ाई पूरी यह है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या और दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। वही तो लड़ाई हो रही है ना, सामाजिक न्याय की लड़ाई हो रही है क्या? नहीं हो रही सामाजिक न्याय की लड़ाई। और मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, बड़ा अहम है फर्स्ट फेज, वेस्टर्न यूपी की 58 सीटों पर पड़ने हैं वोट, वोटर्स का रुझान क्या नजर आ रहा है, और जब इस तरह के मुद्दे जोर शोर से नेताओं की तरफ से उठाए जाते हैं उस पर क्या रिएक्शन मिलता है? देखिए, चूंकि नेताओं के बयानों का जनता में गहराई से असर होता है, तो जिस तरह का चश्मा दिखाने की कोशिश होती है जनता पर, उसका प्रभाव पड़ता है और उसका असर निश्चित तौर पर मतदान पर पड़ता है। और 2017 में, 2019 में इस तरह की चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो जो बयानों का दौर है जनता को प्रभावित करने के लिए, हालाँकि इन सब से इतर जनता अभी भी उम्मीद कर रही है कि पश्चिम में जो किसानों की समस्याएं हैं उन पर बात होनी चाहिए। रालो से लेकर समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, वो किसानों के जो बिजली बिल की समस्याएं चल रही हैं, बकाया भुगतान की, जो गन्ना किसान है खासतौर पर परेशान है, उनके जो बकाया भुगतान का लंबे अरसे से पेंडिंग चल रहा है उसके बकाया भुगतान की बात होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के बयान इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती और वो जनता पर गहराई से असर डालते हैं सभी। ठीक है मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। राकेश त्रिपाठी मौजूद हैं। राकेश जी, मुझे ये बताइए कि क्या इस तरह के बयानात की और ध्रुवीकरण की कोशिश की एक वजह ये नहीं है कि असल जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके? अब नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें गरीबी के पैमाने पर यूपी देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। 38% आबादी यूपी की, यानी हो गए कितने, 9 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। कुपोषित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, 11 करोड़ के आसपास होती हुई नजर आ रही है। निवेश का आप लोग इतना जिक्र करते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट यह कहती है कि पूरे देश में 2017 से 21 तक जितना निवेश हुआ उसका सिर्फ 0.4% यूपी में हुआ। तो इन मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, हिंदू मुसलमान जमकर हो रहा है। समीर जी, किसी भी आंकड़े को अगर देखा जाए तो उसको तुलनात्मक रूप से जरूर दिखा जाना चाहिए। हाँ, पहले क्या था, अब क्या हुआ है, अगर इसके साथ देखेंगे तो मुझे लगता है ये तस्वीर ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार चुनाव में अपना रिपोर्ट कार्ड रख रही है तो हम ये बार बार बता रहे हैं। हाँ, कि पहले क्या था और अब क्या हुआ है। पहले कैसे प्रधानमंत्री आवास 17,000 केवल दिए गए थे, आज 44 लाख दिए गए हैं। पहले कैसे उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चे मरते रहे लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सोती रही, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आने के बाद हमने कैसे दिमागी बुखार का उन्मूलन करने का काम किया है। पहले उत्तर प्रदेश में 12-14 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज है। पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यही तो चाहिए ना जनता को, यही तो चाहिए ना, यही तो असल मुद्दे हैं, इन्हीं पर बात होनी चाहिए। नहीं, हम तो इसीलिए तुलनात्मक रूप से बता रहे हैं कि पहले तुष्टीकरण के कारण दंगे होते थे, आज उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी, अकुश श्रीवास्तव जी, वंदना जी, सुरेंद्र राजपूत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।